टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बात करते हैं इंसानी गिद्धों की, जो देखने में तो इंसान जैसे ही दिखते हैं मगर काम इनका गिद्धों वाला है। दरअसल तस्वीरों में जो दिख रहे हैं ये लोग कफन चोर हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। यूपी के बागपत पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको यकीन नहीं होगा मगर ये सच है कि ये सनकी लोग कपड़े के व्यापारी हैं और जो शमशान घाट और कब्रस्तान में जाकर मुर्दों का कफन चोरी करते थे। यहां तक कि मुर्दों के कपड़े भी चोरी करते थे। पुलिस ने बताया कि कफन कपड़े चुराकर ये लोग उसे धुलाई करते थे, नया फर्जी स्टिकर लेबल लगाकर उसे नए तरीके से पैक करके इसे नया बताकर बेचा करते थे। बहरहाल बागपत पुलिस ने 7 इंसानी गिद्धों को कफन चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। थाना ब्लॉक में या कस्बे में ये शिकायत बार बार प्राप्त हो रही थी कि एक दुकान से कुछ लोग जो कपड़े का व्यापार करते हैं वो शमशान घाटों से जो मृत व्यक्तियों के कपड़े चुरा कर उनको धोकर और पुनः उस पर फर्जी स्टिकर लगाकर ग्वालियर की किसी कंपनी का लगाकर फिर नए के रूप में बेच रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतों पर बहुत थाने की टीम ने कल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक ही घर के प्रवीण कुमार जैन, आशीष जैन और ऋषभ जैन हैं और बाकी उनके 4 अन्य साथी हैं और उनसे इस टाइप के जो मृत व्यक्तियों के शमशान से चुराए हुए कपड़े और चादरें, गर्म शॉल और ग्वालियर कंपनी की कुछ रिबन और स्टिकर और जो ब्रांड के इसके लेबल, ये सब बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल